ओके, सेलो फाउंडेशन के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टरजाकी भैया ने अपने एज्यूम्पशन के बेसिस पर एक इक्वेशन दी है जिसकी मदद से हम सोइल की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो इक्वेशन दी है वो लिमिटेड है, ठीक है। वो इक्वेशन तभी वैलिड है जब उनके एज्यूम्पशन सेटिस्फाई हो, यानी कि टरजाकी भैया ने एज्यूम किया था कि वो जो फुटिंग है वो स्ट्रिप फुटिंग है, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। फुटिंग हमारी स्क्वायर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी शेप की हो सकती है। इसी तरह से टरजागी भैया ने यह माना कि वाटर टेबल जो है वो स्ट्रेस जोन के नीचे है, यानी कि उन्होंने वाटर टेबल का इफेक्ट कंसिडर नहीं किया। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, वाटर टेबल ऊपर भी तो आ सकती है, ठीक है। और उन्होंने ये भी एज्यूम किया था कि जो फुटिंग पर जो लोड लग रहा है वो सीधा लग रहा है, वर्टिकल लग रहा है, लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, इंक्लाइंड लोड भी तो लग सकता है, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, जो उन्होंने जो इक्वेशन दी थी उसको हमने मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड टरजागी इक्वेशन फॉर अदर शेप ऑफ फुटिंग, ठीक है। हर एक एक के लिए हमने मॉडिफाइड किए हैं, ठीक है। जैसे कि पहले शेप के लिए मॉडिफाइड टरजागी इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर वाटर टेबल के इफेक्ट के लिए मॉडिफाइड टरजागी इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर शियर फेलियर के लिए भी मॉडिफाइड इक्वेशन पढ़ेंगे, क्योंकि टरजागी भैया ने तो खाली ये एज्यूम किया था कि जो फुटिंग में जो फेलियर हो रहा है वो जनरल शियर फेलियर हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाली जनरल शियर फेलियर ही हो। फेलियर क्या दे पूछ के आएगा टरजागी भैया से, जो फेलियर होगा वो लोकल शियर फेलियर भी तो हो सकता है। तो उसके लिए भी कुछ मॉडिफाइड हमें करने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉडिफाइड टरजागी इक्वेशन फॉर अदर शेप ऑफ फुटिंग, ठीक है। क्योंकि टरजागी भैया ने खाली स्ट्रिप फुटिंग के लिए हमें इक्वेशन दी है, तो अब हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे ताकि हम उस इक्वेशन को दूसरी टाइप की फुटिंग के लिए भी यूज कर सकें, ठीक है। तो फर्स्ट आता है फॉर स्क्वायर फुटिंग। तो देखो, स्क्वायर फुटिंग के लिए मॉडिफाइड टरजागी इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्यू यू इज इक्वल टू 1.3 सी डॉट एन सी प्लस गामा डॉट डी एफ डॉट एन क्यू प्लस 0.4 गामा डॉट बी डॉट एन गामा, ठीक है। इसमें कहाँ कहाँ पे मॉडिफाइड मॉडिफिकेशन हुए हैं, देखो यहाँ पर 1.3 से मल्टीप्लाई किए हैं, सेकंड वाली टर्म वो की वही है, ठीक है। और थर्ड वाली टर्म में पहले 0.5 था, अब यहाँ पर 0.4 आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर सर्कुलर फुटिंग। सर्कुलर फुटिंग के लिए मॉडिफाइड टरजागी इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्यू यू इज इक्वल टू 1.3 सी एन सी प्लस गामा डॉट डी एफ डॉट एन क्यू प्लस 0.3 गामा डॉट बी डॉट एन गामा, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर फुटिंग या फिर राफ्ट फुटिंग के लिए देखो, क्यू यू इज इक्वल टू 1 + 0.3 बी बाई एल सी एन सी प्लस गामा डॉट डी एफ डॉट एन क्यू प्लस 1 - 0.2 बी बाई एल डॉट 1/2 गामा डॉट बी डॉट एन गामा, ठीक है। ये इक्वेशन है रेक्टेंगुलर या फिर राफ्ट फुटिंग के लिए, ठीक है। अब इसमें देखो, हम जानते हैं जो हमारा स्क्वायर होता है, ठीक है, उसमें लंबाई और उसकी चौड़ाई बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम एल इजिकल टू बी लें या फिर बी इजिकल टू एल लें, ठीक है, या इसमें अगर हम रख दें, ठीक है, बी बी इजिकल टू एल रख दें या फिर एल इजिकल टू बी रख दें, तो हमें वापस यही वाली ये जो स्क्वायर फुटिंग के लिए इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आपको इसको चेक करना हो तो इसमें एल इजिकल टू बी या फिर बी इजिकल टू एल रख के देख लेना, वापस ये स्क्वायर फुटिंग वाली इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है, जो हमारी टरजागी की इक्वेशन थी वो क्या थी, सी एन सी प्लस गामा डॉट डी एफ डॉट एन क्यू प्लस यहाँ पर क्या था, 0.5 था, ठीक है। अब जो स्क्वायर फुटिंग है इसमें यहाँ पर 1.3 आएगा और सर्कुलर में 1.3 आएगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर स्क्वायर के लिए देखो, वहाँ पर 0.5 था, तो स्क्वायर के लिए यहाँ पर 0.4 कर देना, ठीक है। और सर्कुलर के लिए एक और कम कर देना, 0.3, ठीक है, यानी कि ये कम होता हुआ आ रहा है, 0.5, 0.4, 0.3, ठीक है। और ये वाली तो रटनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसके लिए देखा, हमने देखा मॉडिफाइड टरजागी इक्वेशन फॉर अदर शेप ऑफ फुटिंग, यानी कि अगर हमारी फुटिंग स्ट्रिप फुटिंग के अलावा कोई दूसरी फुटिंग है तो उसके लिए ये हमने मॉडिफाइड टरजागी इक्वेशन दी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन फॉर शियर फेलियर, ठीक है। टरजागी भैया ने एज्यूम किया था कि हमारी फुटिंग में खाली जनरल शियर फेलियर होता है, ठीक है। उन्होंने जो अपनी इक्वेशन दी वो किस बेसिस पे दी, कि हमारी फुटिंग में जनरल शियर फेलियर हो रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, लोकल शियर फेलियर भी हो सकता है। तो उसके लिए हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन किए इसमें, चलो देखते हैं। इन टरजागीज इक्वेशन जनरल शेयर फेलियर इज कंसिडर्ड, बट सोइल मे बी फेल इन लोकल शेयर फेलियर, सो फॉर लोकल शेयर फेलियर सम मॉडिफाइड शेयर पैरामीटर्स आर गिवन, ठीक है। तो देखो, हम क्या करेंगे, टरजागी की इक्वेशन में जो सी आ रहा है ना, वहाँ पर हम सी एम यूज करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर फाइ आ रहा है ना, वहाँ पर हम फाइ एम यूज करेंगे, ठीक
ठीक है, तो सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 सी हो जाएगी, और फाई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इनवर्स कोष्टक 2/3 10 फाई। ठीक है, यानी कि अगर हमें कोई न्यूमेरिकल दे रखा है, ठीक है, और उसको हमें टर्जागी की इक्वेशन से सॉल्व करना है, तो उसमें जो सी की वैल्यू दे रखी होगी ना, हमें वहां पर सी एम लिखना पड़ेगा, अगर हम शेयर फेलियर के दृष्टिकोण से हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, मॉडिफिकेशन ऑफ शेयर फेलियर क्या हो जाएंगे, सी एम इजिकल टू 2/3 सी, और फाई एम इजिकल टू 10 इनवर्स 2/3 10 फाई। यानी कि अगर हमें टर्जागी की इक्वेशन को लोकल शेयर फेलियर में अगर हमें उसे यूज करना है, तो हम सी की जगह पर सी एम का यूज करेंगे, और उस सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 सी हो जाएगी। ठीक है, और फाई की जगह पर हम फाई एम का यूज करेंगे, जिसकी वैल्यू होती है फाई एम इजिकल टू 10 इनवर्स कोष्टक 2/3 10 फाई। ठीक है,